दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं फ्रेश हो चुका हूं, अभी घर पे तिरंगा भी फहरा दिया। तो आज आज़ादी की अमृत महोत्सव है, तो हर घर तिरंगा होना चाहिए, हर घर में तिरंगा लगाइए आप सभी भी। और चलिए हम लेके चलते हैं गांधी मैदान, आपको वहाँ पर दिखा दे कैसे झंडा फहराया जाता है। और ये रहा मेरा सिवान, देखिए तिरंगा से हरा भरा, खुशहाली चारों तरफ। और देखिए यहाँ पे कितनी जलेबियाँ बिक रही हैं, काफ़ी भीड़ लगा रहा। और ये रहा सिवान का कचहरी दुर्गा मंदिर, जय श्री कृष्णा राधे राधे, और हमारे दुर्गा माता की जय। रोड काफ़ी खचा खच भर चुका है यहाँ पे। और आपको अगर बजरंग बली लेना हो तो यहाँ पे देखिए DRCC के पीछे बहुत भव्य और बड़ा विशाल अच्छा मूर्ति बनता है, यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा किया गया है, मेन गेट से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। देखिए कितना सुरक्षा बल यहाँ पर रखा गया है। और फाइनली हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। तो जल्द हम लोग गांधी मैदान पहुंचने वाले हैं, उसके प्रांगण में निकल चुके हैं। और ये रहा सामने मेन गेट हमारे गांधी मैदान सिवान जिला का। और अब आप देख रहे हैं सिवान के गांधी मैदान, जो कि यहां पे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अभी झंडा फहराया जाएगा। देखिए कितना यहां पे चहल पहल है, पूरा पुलिस प्रशासन है। और देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा मतलब यहाँ पर प्रदान किया गया है, अग्निशामक गाय वैन है, पानी पीने वाला टैंक है, यहाँ पे एम्बुलेंस है। वीडियो में बने रहिएगा, अभी आएंगे हमारे सिवान के SP DM जो भी है, और यहाँ पे झंडा फहराएंगे, परेड भी होगा, वो सब चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। जय देख सकते हैं कितना भव्य दिख रहा है ये आपका सिवान का गांधी मैदान, क्या बेहतरीन सजावट की गई है। और ये सब हमारे पुलिसकर्मी जो परेड करेंगे झंडा जब फहरेगा उसके समय। और वहाँ मेन गेट है जो सामने में, वहाँ से एंट्री बंद है, वहाँ से बस जो परेड में भाग लिए हैं या मुख्य अतिथि जो भी हैं बड़े अधिकारी या जो इसमें भाग लिए हैं बस वही आ सकते हैं। और अभी सिवान के SP आ रहे हैं जिनको सलामी दिया जाए। SP साहब का आगमन। और SP साहब के बाद अभी हमारे सिवान के और DM जो कि जिला पदाधिकारी देखिए सामने में आ गए, अब इनका सलामी होगा। और फाइनली अब जो हमारी परेड कमांडर है वो जा रही हैं हमारे जिला पदाधिकारी और SP साहब के पास, बोलेंगी श्रीमान अब परेड के लिए हाजिर है। तो अभी निरीक्षण किया जाएगा परेड का, देखते रहिए। ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं दिखाएगा, तो प्लीज़ फुल वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। फाइनली 9 प्लाटून कमांडर को जो परेड के लिए लगी हैं उनको अब निरीक्षण करने के लिए हमारे अतिथि आएंगे। और ये SP साहब DM साहब इस गाड़ी पे, तो सामने में अभी गाड़ी आई है फूलों से सजी हुई, तो देखते रहिए, ब्लॉग में बने रहिए। तो अब निरीक्षण का प्रक्रिया खत्म हुआ और अब झंडा फहराया जाएगा, तो प्लीज़ अब राष्ट्रगानों का आप खड़े हो जाएं।
जय मातरम। तो फाइनली झंडा फर गया, अब यहाँ पे भाषण होगा और लगता है कुछ हुआ है। फाइनली यहाँ पे एम्बुलेंस जा रही है और सायरन बजाते हुए लगता है कोई लेडीज़ या कोई कुछ कोई गिरा होगा, चक्कर हुआ है। तो इसके लिए ये सब रखा जाता है कि कोई को किसी कुछ भी हो जाए तो यहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाए। और देख सकते हैं गांधी मैदान कितना भव्य इस समय दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब। और 26 इस 15 अगस्त की खुशी पे हम सब इकट्ठा हुए हैं और ये सीन देख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग भीड़ लगाए हुए हैं। झंडा फहर गया, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हो तो।